दोस्तों आज हम देखेंगे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक डायनामिक पहलू, एकदम से हटके रहेगा, डिमांड की कॉन्टेक्स्ट में है लेकिन थोड़ा डायनामिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड मोटिवेशनल बेस्ड, यानी जो प्रेरणा होती है उसके आधार के ऊपर मांग का कौन सा कार्य होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा प्यारा है दोस्तों, मस्त है ना, थोड़ा सा बस सुनिए। देखो मैं काफी बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, बस ये बेसिक चीजें सीखो ना तो बस इकोनॉमी में जो मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में, इसके जैसे कोई दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं। चलो देखते हैं व्हाट इज मीन बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ अ डिमांड। देखो सब्जी, सब्जी भाजी वाला ले, भाजी वाला, भाजी वाला एल भाजी वाला, ये देखिए डिमांड फंक्शंस। भाई हम सब्जी वब्जी जो चिल्ला रहे, ये जो क्या होता है नॉर्मली, नॉर्मली क्या है, व्हाई वी डिमांड गुड्स और सर्विसेज, क्यों क्यों डिमांड करते हैं, नहीं यू ही नहीं, नॉर्मली नॉर्मली वेरी सिंपल आंसर दैट वी नीड, है ना, वी हैव टू सैटिस्फाइड अवर नीड, हमारी जो जरूरत है उसको सैटिस्फाइड करना है, और इसलिए हम सब्जी तरकारी जो है वो सब लेते, क्योंकि इन सब में कोई उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, और इसी वजह से हम जो है ये डिमांड का फंक्शंस अक्सर करते रहते हैं। ओके सो गुड्स विद यूटिलिटी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, उपयोगिता, उपयोगिता नहीं तो हम इन जनरल उसे गुड्स भी नहीं कहते, वस्तु भी नहीं कहते। ये क्या काम करती है, ये हमारा जो जरूरत है उसका सेटिस्फेक्शन करती है। तो नॉर्मल डिमांड फंक्शन होता है सच डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाइड अवर नीड्स, दैट मीन्स द गुड्स विद यूटिलिटी। ओके ये नॉर्मली होता है ना, ये नॉर्मल नॉर्मल थिंग है, एकदम से नॉर्मल थिंग है। ओके लेकिन दोस्तों भाई ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग की दो चीजें जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देयर आर है ना सम ह्यूमन नीड्स बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, एक है ना सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ, उसको जीना है भाई, है ना, जीना नहीं तो क्या मतलब, तो उसकी लाइफ, या और साथ में वो चाहता है वी आर अ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग दोस्तों, सो वी नीड टू फोकस ऑन आवर सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं विकास जो होता है उस पर हम फोकस करते हैं। इंसान की दो चीजें, दो जरूरतें हम देखते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, एक है उसका जो जीवन है वो जीवन व्यापन करना चाहता है, उसका जीवन है, और दूसरा जो है उसका विकास है। ये दो चीजें जो है ये इंसान की अब बेसिक नीड्स हो चुकी है दोस्तों, है ना, माना ये बेसिक नीड होती है तो क्या इंसान इतना इतना रैशनल है, इतना समझदार है, है ना, तो देखते हैं क्या है। तो वही इंसान है और इंसान सिर्फ इंसानियत नहीं रखता है तो साथ में बंदर भी है, बस गुलाटी मार ही लेता है, है ना, तो मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस जो होता है ना कभी कभार रैशनल नहीं होता, कभी कभार सीधा सीधा नहीं होता, है ना, कभी कभी हो जाता है कि काम की बात तो कर लेता है, यानी काम की डिमांड कर लेता है, कभी कभी वो काम की नहीं करता, कुछ फालतू की भी डिमांड करता है। अब ये इश्यू है भाई, फालतू की डिमांड करता है, काम की करता है, हम समझ गए कि भाई डिमांड फंक्शन कि भाई अपने जरूरतों के लिए होता है, ये फालतू की क्यों करता है, तो भाई ये इंसान है, फितरत है उसकी, थोड़ा सा बंदरिया दिमाग होता है, और ये जो बंदर दिमाग है ना इसी वजह से ये जो डिमांड फंक्शन है, मांग का जो कार्य है, ये इतना डायनामिक हो जाता है, इतना क्या बोलते हैं उसको कि बड़ा सजीव हो जाता है, बड़ा लाइव हो जाता है ना। चलो देखते हैं
क्या है, तो इस आधार पर हम क्लासिफाई कर लेते हैं। देखो इस आधार पर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फंक्शनल, काम का, भाई फंक्शनल है तो काम का होना चाहिए, है ना। फंक्शनल डिमांड इन द सेंस कि जो वस्तु होती है, वस्तु जो है या सेवा जो है जिसमें निहित गुण होता है उसकी मांग, निहित गुण, इंट्रिंसिक क्वालिटी, निहित गुण है ना, इंट्रिंसिक क्वालिटी उसके अंतर ही, जो वस्तु है उसके अंदर ही अपने एक गुण होते हैं, इट हैव अ प्रॉपर यूटिलिटी, इसकी अपनी उपयोगिता होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल डिमांड। ये बड़ा सिंपल है कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे अनाज की जरूरत है, मुझे यहां से वहां ट्रैवल कर लेना है, मुझे बस की जरूरत है, सिंपल है। इट हैव अ यूटिलिटी, कॉल्ड एज अ फंक्शनल डिमांड। लेकिन साथ में हम दूसरी कैटेगरी दिखते हो है नॉन फंक्शनल डिमांड, यानी गैर कार्यात्मक मांग, या ऐसी मांग होती है जिसमें निहित गुण नहीं होता तो बाहरी गुण होता है, बाहरी गुण इस पर असर डालता है। एक एक्सट्रिंसिक जो है, एक्सट्रिंसिक फोर्स जो है, वो एक्सट्रिंसिक फोर्स इसमें इन्फ्लुएंस करता है और इसी वजह से डिमांड, ये अपने आप में नहीं होता, इसमें वो वस्तु का गुण नहीं देखा जाता, तो गुण के परे ये सब बात होती है, है ना। और इसी वजह से ये जो नॉन फंक्शनल डिमांड है, ये इसकी वजह से ही सब डिमांड फंक्शन जो है बड़ा डायनामिक हो जाता है, थोड़ा हटके हो जाता है, थोड़ा बदल जाता है। तो आज हम नॉन फंक्शनल डिमांड को ही अभी फोकस करते हैं। सी देखिए नॉन फंक्शनल डिमांड्स, एक पहला है नॉन फंक्शनल डिमांड में एक एक्सटर्नल इफेक्ट्स होता है और इसी वजह से नॉन फंक्शनल डिमांड ये बाहरी प्रयास से होने के वजह से हम उसको अलग डायमेंशन में देखते हैं, अलग इसमें देखते हैं। पहला यदि हम देखें तो व्हाट अदर्स कंज्यूम्स, लुकिंग अदर्स, अपन खुद के बारे में दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में देखना, है ना। यानी भाई ये अरे बाप रे इतना बर्गर खा रहा है, मैं भी खाऊंगा, या ये बर्गर खा रहा है बेवकूफ है, मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, है ना। दैट मीन्स दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर सोचते आइदर ऑन, बराबर है, मैं भाई उसके जैसा ही या मैं तो मैं हूं, इस टाइप का कुछ तो भी हटके इस टाइप का होता है, व्हाट अदर कंसर्न। कभी कभार ह्यूमन बीइंग है भविष्य के बारे में अक्सर सोचते रहता है, अक्सर चिंतातुर रहता है ना, अक्सर उसको फियर रहता है, तो ये फियर डिमांड में भी होता है ना, कोई काम का नहीं होता, फ्यूचर तो फ्यूचर होता है भाई, तब देखेंगे, अभी तो प्रेजेंट में जियो। लेकिन इंसान वैसा नहीं होता, इंसान कभी प्रेजेंट में नहीं जीता, एक तो जीता है तो भूतकाल में जीता है या भविष्यकाल में, डिमांड में भी ऐसा ही होता है ना, और इसी वजह से असर देता है, बड़ा चिंता तो होता है क्या होगा क्या होगा, बराबर है। या तीसरा जो है एक एलिमेंट वो होता है जस्ट मोड, है ना, हम मनमौजी है ना, मन की बात, मन की बात पर बड़ा है ना, हम उसका बहुत बार हम तर्क वितर्क सब छोड़ देते हैं और मन की बात से जो मूड हुआ वो, है ना, बस खाने का मूड गया, अरे भाई अब भी तो तूने खाना, अरे भाई खाने का मूड गया, मूड हो गया, ऐसा जब हम बोलते हैं और डिमांड कर लेते हैं। तो ये तीन जो फैक्टर्स है ना, लुकिंग अदर्स है, दूसरों को देख के भविष्य की चिंता करना, या सिर्फ ऐसे ही यू ही, ऐसे तीन टाइप का जो है नॉन फंक्शनल डिमांड्स होती है ना। ये तीन जो प्रकार है इसके आधार पर ही हम सब क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। देखिए सब क्लासिफिकेशन क्या है नॉन फंक्शनल डिमांड के, पहला एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी, एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स होता है ऑन यूटिलिटी उसके कॉन्टेक्स्ट में यह है, ओके, एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी, यानी ये दो कुड़िया बराबर, है ना, एक ने इतना लिया सामान तो मैं भी उतनी लूंगी, इसने लिपस्टिक लगाया तो मैं भी लगाऊंगी बस, या उसके पास BMW है मेरे पास नहीं अब मैं भी BMW लूंगा, या किसी के पास नहीं मैं ही BMW लूंगा, बस एक्सटर्नल इफेक्ट, लेन देन कुछ नहीं है, यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं। दूसरा स्पेकुलेटिव
डिमांड है ना, फ्यूचर के बारे में बड़ा चिंता, तो क्या होगा क्या होगा क्या नहीं। तीसरा इरेशनल है ना, कोई तर्कहीन है ना, अचेतन, कोई तर्क ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, ये यू चला, अबे गिर जाएगा तू, जान दो मुझे। तो हमें दिखता है तीन प्रकार दिखते हैं, एक उपयोगिता पर बाहरी परिणाम, उपयोगिता पर बाहरी परिणाम, दूसरा जो होता है काल्पनिक अव्यवहार्य होता है, और तीसरा जो होता है वो तर्कहीन होता है। ऐसे तीन प्रकार होते हैं, हम इसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी क्या होता है हम देखेंगे। एक तो हम क्या करते हैं इसमें कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में है ना, दूसरों ने क्या खरीदा, दूसरों का क्या गुड्स है ना, थिंक अबाउट द गुड्स ऑफ द अदर्स, अदर थिंग्स है ना, ओ अदर थिंग, दूसरा क्या सोच रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में यह सोचना शुरू कर, इट्स कंपेयरिंग, ताक झांक दूसरों के इसमें ताक झांक, ये देखो ये इसकी नजर यू इधर में और ये इसकी नजर यू इधर, अबे तू इधर तो देख है ना, तू बर्गर देख और तू है ना, बड़ा प्रॉब्लम है ये कॉन्ट्रास्ट है ना, ये चाइनीज भाई है, ये चाइनीज भाई जो है इन जनरल चावल खाता है, और ये जो है अपना वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न अपना कंट्रीज का है ना ट्रम्बो है ना, तो ये ट्रम्बो खाता है बर्गर, लेकिन ये एक्सचेंज कर लिया, एक मिनट के इसमें ध्यान में आया क्या, तो मैं तेरे पास ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा, बस उस टाइप का है ना, दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में उसका गुड्स का इंट्रेंसिक इससे कोई लेना देना, उसके पास है या नहीं है बस उसके हिसाब से, या फिर बड़ा अलग सा ट्रेंड है ना, हम कॉर्पोरेट सेक्टर में इन जनरल देखते हैं है ना, प्राइस, तेरा शर्ट, तेरी वॉच कितने की है, देख मेरी वॉच 1 लाख की है, दूसरा भी वैसा ही बराबर सड़क से उठा के लाता डिजाइनर वॉच 100 रुपए की, बोलता देख मेरी भी वॉच, तो बोलता वह पीछे में मुड़ के देख लेबल अलग है तेरा, चाइनीज मेड, ध्यान में है क्या, तो ये क्या करता है प्राइस है ना, लेना देना क्या, वॉच वॉच होता भाई, 100 रुपए की रही 1 लाख की, अब 1 लाख की रोनाल्ड जो पहन के होगा उसकी क्या वॉच में दूसरा कुछ है ना टाइम दिखाएगा, 12 का 1, 1 का 2 नहीं ना, वही तो टाइम दिखाने वाला है, लेकिन नहीं है ना, तो ऐसा भी होता है, दीज आर द एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ये बाहरी परिणाम, एक तो प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर किया जाता है कि ये कितना महंगा है कितना सस्ता है, या फिर दूसरों के पास है या नहीं है उसके आधार पर देखते हैं है ना। चलो देखते हैं एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देखो कंज्यूमर, एक तो ये जो हमने अभी देखा उसके कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूमर जो होता है वो एक तो हर्ड मेंटेलिटी में जीता है, हर्ड मेंटेलिटी है ना, हर्ड मेंटेलिटी इन द सेंस कि इट इज नथिंग बट जस्ट फैशन ट्रेंड है ना, फैशन ट्रेंड होता है दोस्तों, एक फैशन ट्रेंड, जैसे अभी अपन एग्जाम्पल देख लेंगे, देखो एग्जाम्पल यू आहा, ये आ गया सल्लू भाई है ना, अब देखो सल्लू भाई ने क्या है ना, उस वक्त एक तेरे नाम पिक्चर आया था, बस वो तेरे नाम में यू स्टाइल बना लिया था राधे ने, और राधे ने जैसे ही तेरे नाम में यू स्टाइल बनाया, अरे पूछो मत जा, वाह राधे राधे राधे, ये देखो राधे आ है ना, इतना हो गया राधे, इतना हो गया ट्रेंड, पूछो मत, सलमान भी बोले हाय ये क्या हो गया, ये देखो है ना, तो सारे तरफ ट्रेंड, बस हर्ड मेंटेलिटी है ना। अच्छा हुआ भाई गड़बड़ नहीं हुई, सल्लू भाई को ही फॉलो किए, पीके को फॉलो करते तो है ना, अच्छा आमिर भाई बच गए तुम, नहीं तो हाय तोबा क्या हो गया रहता भाई। सो इट इज व्हेन द कंज्यूमर्स आर फॉलो द ट्रेंड है ना, दुनिया कर रही है मैं भी करूंगी, दुनिया का फैशन है फटी जींस है मैं भी फाड़ के पहनूंगी, दैट इज कॉल्ड एज अ बैंड वैगन इफेक्ट है ना, ये नॉन फंक्शनल इफेक्ट है, ओके बैंड वैगन इफेक्ट। नेक्स्ट है ना, क्रिएट योर ओन स्टाइल, पहले बोलते कि भाई है ना तेरी ट्रेंड मेरी ट्रेंड, ये बोलते अपने खुद की ट्रेंड, बराबर है। एक्सक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिविटी यानी खुद के स्टाइल मारने का, दूसरों की नहीं, सल्लू भाई मारता हूँ अपने स्टाइल, मैं मारूंगी अपनी स्टाइल है ना, क्रिएट योर ओन स्टाइल,
ये दुनिया से हटके होता है, जो ट्रेन चल रही है उसके परे होता है, ये खुद की अपनी ट्रेन बनाने की कोशिश करते हैं जब कंज्यूमर, उसे कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। ये बैंड वैगन इफेक्ट से एकदम विरुद्ध होता है। ओके, तो ये भी कंज्यूमर की डिमांड बन जाती है कि एक्सक्लूसिव कुछ खरीदना चाहते हैं, एंटिक वगैरह जो चल रहता है उस टाइप का, दूसरों से हटके दिखना चाहता है, इसलिए कुछ तो भी हटके ये खरीदारी करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं, ओए भाई मुकेश भाई तो क्यों हंस रहा भाई, ना हंसो ना हंसो, इतना हंसी अच्छी नहीं है, है ना। तो ये है सब रईसों की मनमौजी, रईसों की अय्याशी। एक मुकेश भाई है, कारे देखो कितनी महंगी महंगी है, कितनी महंगी, अरे बाप रे। आप मुकेश भाई ये उसकी तसरीफ भी एक ही होंगी ना, तसरीफ क्या दो चार होंगी, इतनी गाड़ियां लगती है एक गाड़ी में हो सकता, लेकिन नहीं, मुकेश भाई बोले एक से एक महंगी, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी मेरे पास रहेंगी, काय के लिए रे भाई। तो मुकेश भाई बोलता है मेरे को फ्लैश मारना है। देखो फ्लैश मारने के लिए पैसा है, उड़ा रहे है ना, पैसा है उड़ा रहे हैं। ये शौक जो होता है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन है ना, उड़ाने का, दिस कॉल्ड एज अ वेबलेन इफेक्ट, है ना, वेबलेन इफेक्ट यानी कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। इसके बाद हम देखते हैं, अब देखो ये अलग हो गया, वहां पे मुकेश भाई बमाइस कर रहा है करोड़ों रुपए उड़ा के, यहाँ पे जनता देखो पूरी लाइन लगा के बैठी है, बड़ी परेशान है वो। तो देखो तो ये तो लड़की तो बहुत ही परेशान है, चश्मा लगा के आई है भाई, है ना। और ये भाई उसने तो क्यों रोती है भाई, आंसू या इतने दूर से, बोले प्याज के नहीं, प्याज की जो महंगाई है उससे, है ना। तो लाइन में लगे हैं क्यों भाई, भविष्य में और ज्यादा महंगाई हो जाएंगी क्या, तो महंगे ना हो अभी ही खरीद लेते हैं, भविष्य का डर है, भविष्य में प्याज खाने को नहीं मिला तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी। देखो कैसे है ना, अरे भाई नहीं मिलेंगे तो 2 दिन प्याज नहीं खाऊंगे मर जाऊंगे, लेकिन नहीं, भविष्य का डर जब होता है ना। इंडिया में देखो हम सोना खरीदने में भी ये देखते हैं, इट्स अ स्पेकुलेटिव, है ना, इट्स अ स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेशन होता है, भविष्य में महंगा हो जाएगा करके अभी खरीदो तो अभी महंगाई बढ़ा दो, भविष्य की क्या देखने का। ओके, सो कॉल्ड एज अ स्पेकुलेटिव डिमांड। ओके, एक आखिरी देख लेते हैं, है ना, ये मेरे दोस्त है भाई, मेरे दोस्त ऐसी उटपटांग दोस्त दोस्तीनिया होती है ना, ये दोस्त थोड़ी सी हटके है, ओ उसका मूड जो बना वो अभी देखो, ये जो है मूड बना उसका, ओ उसने मेरे को बोला भाई मेरे को अंडे ला के दे, मैं बोला ऑमलेट खा रहे क्या भाई, बोले ना है अंडे नहीं और ऑमलेट नहीं, फिर क्या करे, नहीं मुझे क्या पहनने का, ये देखो, अरे भाई क्या खरीदे क्या नहीं, सब मनमौजी है भाई मेरी दोस्त, है ना, मन आए वैसे, है ना, बड़ा डरी से लगता है कब क्या करेगी वो, कोई गारंटी नहीं। सो इट्स अ इरेशनल डिमांड, कोई लॉजिक नहीं कुछ नहीं, है ना, बस अपनी मन की बात, है ना, इधर शॉपिंग मॉल में जाने का और अंदर घुसने के बाद ये लू वो लू, ले लिया, बाद में पूछे क्यों लिया, अरे मालूम नहीं यार मैंने क्यों लिया, ले लिया। ऐसे मनमोजी यानी कभी कभी मूड के हिसाब से भी हमें डिमांड होती है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है ये नॉन फंक्शनल डिमांड्स बड़ी डायनामिक्स दे डालती है। सो दिस डायनामिसिटी ऑफ डिमांड फंक्शन, ये जो डायनामिसिटी बनाई है ये किसी वजह से बनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शनल डिमांड्स। और इस नॉन फंक्शनल डिमांड है ये बंदरिया किस्म की जो डिमांड होती है, इसी वजह से दोस्तों हमारा जो मांग का कार्य है डिमांड फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शंस काफी हद तक बड़ा डायनामिक हो जाता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि मार्केट में एक नया डायनामिक्स, एक अलग किस्म का जो फेनोमेना है वो डेवलप होते हुए दिखता है। ओके, थैंक यू।